मुनि कहे या साधु कहे, क्या कहे? आपने हमारे नेता के बारे में क्या कहा था? अभी आपको क्या कहे? इतनी गंदी हरकत, न जाने एम्बुलेंस के बिना कितने लोग मर गए होंगे, और ये लोग को कभी शराब और कभी बालू सूझता है, है? राजीव प्रताप रूढ़ी जी का गिरफ्तारी होनी चाहिए। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी अभी जेपी गोलंबर पे जिस प्रकार से जन अधिकार पार्टी द्वारा जन आक्रोश निकाला गया है, राजीव प्रताप रूढ़ी के गाड़ी से उनके जो एम्बुलेंस की जो गाड़ी थी वहां से शराब मिलने के बाद जिस प्रकार से मामला बढ़ी और पप्पू यादव अभी जेल में हैं, इन तमाम बातों को लेकर अभी राजीव दानवीर जी हैं, जाप पार्टी के नेता, अहम नेता हैं, तो आज जिस प्रकार से ये आंदोलन प्रदर्शन किया, इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद साफ है, राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे सारे एम्बुलेंस में GPS लगा हुआ है, मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मेरे पास फिटनेस नहीं है, एम्बुलेंस का बीमा नहीं है, अब शराब लाने के लिए सब कुछ चालू हो गया, आपका GPS कहाँ चला गया? आपने कहा था हमारे लोग एम्बुलेंस को नियंत्रण करते हैं, अभी कहाँ चले गए? अब दूसरे कोई हो गए? नाम लिखाए आप अपना, तो वो तो आप ही की ना है। राज्य सरकार सीधे लूट लेती है, जिसके घर में शराब मिलता है वो घर को कब्जा कर लेती है, जिसके नाम से रहता है वो कहीं रहे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी क्या है, सांसद हैं तो आप इनको गिरफ्तार नहीं कीजिएगा? इसी सब को लेकर राज्य सरकार का भी पुतला फूंका गया। केंद्र सरकार अपने सांसद पर कार्रवाई करे और राज्य पूरे राज्य में ये पूरे राज्य व्यापी हम लोग का पुतला दहन था, और आगे यदि कार्रवाई नहीं होती है किसी तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी पर, तो पूरे प्रदेश में ये जन आंदोलन बनेगा। पर वो मुखिया की तरफ वो बातों को टाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मुखिया के टालने से नहीं ना होगा। आप कहते हैं कि सारा एम्बुलेंस हमारे नियंत्रण में है, तो फिर आप गायब कैसे हो गए? फिर कैसे हो गया ये सब कुछ? कहने से नहीं ना होगा। यहाँ उनकी संसदीय, आपको ऋषि मुनि कहे या साधु कहे, क्या कहे? आपने हमारे नेता के बारे में क्या कहा था? अभी आपको क्या कहे? इतनी गंदी हरकत, न जाने एम्बुलेंस के बिना कितने लोग मर गए होंगे, और ये लोग को कभी शराब और कभी बालू सूझता है, है? राजीव प्रताप रूढ़ी जी का गिरफ्तारी होनी चाहिए, और इसमें पूरे बिहार के प्रदेश में आप वोटिंग करवा लीजिए, 99% नहीं 100% लोग कहेंगे कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी का गिरफ्तारी होनी चाहिए। नीतीश जी को क्या कहिएगा, शराबबंदी करवाए हुए और उन्हीं के सांसद, उन्हीं को साफ दिखा दिया है ना कि लीजिए शराबबंदी है, लीजिए देखिए एम्बुलेंस में शराब बिक रहा है, शराबबंदी है, देखिए। ये बात कर रहे थे हम जन अधिकार पार्टी के नेता राजीव दानवीर जी से, और जन अधिकार पार्टी के अभी यहाँ पर जेपी गोलंबर के पास अभी आक्रोश प्रदर्शन अभी नजर आई है, पुलिस ने शांत करा ली है, और अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। देखते रहिए झकास भारत, मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।